जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रबशा शाह कराची से बात कर रही हूँ। ये एक्सपो सेंटर में एक हमारा इवेंट लगा हुआ है बचत बाज़ार के हवाले से, जो कि बदर एक्सपो वाले जिसको इवेंट को करवा रहे हैं। एक्चुअली इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि ये बचत के हवाले से है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग हर चीज़ को महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस इवेंट को उस सिलसिले में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी काविश है, ऐसा होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं पर भी कोई इवेंट आता है, ईद त्यौहार का, ईद बकरीद, तो वहाँ पे स्पेशली डिस्काउंटेड दिए जाते हैं और लोग उन सारे चीज़ों को अवेल कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है, और वो भी बदर एक्सपो और JDC वालों के रेफरेंस से, गवर्नमेंट सिंध की रेफरेंस से, कि हम लोग जो हैं वो महंगी चीज़ों को सस्ते में अवेल कर पा रहे हैं। अब मेरा ताल्लुक सिंध हैंडीक्राफ्ट से है, तो आप ये देखें कि मैं कितनी मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हूँ इस इवेंट में। और ये मेरे मुल्तान के बने हुए हैंडमेड खुस्से हैं, जो आप नॉर्मली किसी भी बुटीक पे जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, तो हज़ारों से शुरू होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इनकी कॉस्ट सिर्फ 1,800 रखी है। अगर आप मेरे सिंध कल्चर के ड्रेसेस पे जाते हैं, जो पीछे मेरे हैंग हुए हुए हैं, तो मेरे कल्चर ड्रेसेस ही सिर्फ 2,000 से शुरू होकर और 3,000 पे ख़त्म हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं भी इस बचत बाज़ार का एक हिस्सा हूँ और मैं इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रही हूँ।